सांप को बुलाने के लिए, सांप को बुलाने के लिए सपेरे बजाता है बीन, सांप को बुलाने के लिए सपेरा बजाता है बीन। और आज आ गए नियर केंद्र विहार गेट नंबर 3। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरएस अपनी प्रॉपर्टी, हमारा सपना सबका घर होगा अपना। और फिर से आ चुके दोस्तों यहाँ पर सेक्टर 125 केंद्र विहार गेट नंबर 3 के बिल्कुल पास में, और 2 BHK फ्लैट लेकर आ चुके हैं जिसमें बालकनी भी होने वाली है। चीज बहुत ही शानदार रहेगी, बहुत ज्यादा मजा आने वाला दोस्तों, पूरा रिव्यू करेंगे कंप्लीट। और तो यहाँ पर आ जाते हैं सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर ये आता है हमारा फ्रंट, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 7 फीट से यहाँ पर आपको गेट मिल जाता है जो कि एक अच्छा लकड़ के साथ यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद जैसे ही एंटर करते हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, लोगों की जो डिमांड होती है कि सर रूम तो हमें मिल जाता है लेकिन पूजा रूम या स्टोर रूम की थोड़ी कमी हो जाती है, लेकिन आज वो कमी भी पूरी करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे यहाँ से दोस्तों हम एंटर करते ही हमारा यहाँ पर देखिए एक स्पेस दे दिया जिसको आप एज ए स्टोर रूम यूज कर सकते हैं या एज ए पूजा रूम इसको आप बना सकते हैं। स्पेस आप देख सकते हैं काफी बड़ा स्पेस यहाँ पर दिया है। तो सबसे बड़ी चीज है कि एंटर करते ही आपको पूजा रूम का स्पेस दे दिया, यानी कि इसको पूजा रूम आप बना सकते हैं, यानी एंटर करते ही भगवान जी की स्थापना, मतलब यह बेहतरीन चीज यहां पर हो गई। तो ये आपको बेस्ट ऑप्शन मिल जाता है, स्टोर रूम या उसके पूजा रूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे हम लोग आ जाते हैं तो यहां पर आप देखेंगे स्पेस बहुत ही ज्यादा, काफी खुला स्पेस आपको मिल जाता है। थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है यहाँ पे, रेडी टू मूव है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 यूनिट्स ही बचे हुए हैं, बाकी सारा सोल्ड आउट है। ये स्पेस आया था हमारा ड्राइंग डाइनिंग एरिया का। सबसे पहले दोस्तों यहाँ की मैं बात करूँ तो इजीली यहाँ पर अगर मैं 7 सीटर सोफा भी लगा दूँ एल शेप में तो भी स्पेस की कमी नहीं आने वाली, क्योंकि तो यहाँ से लेकर इस तरीके से एल शेप में अगर मैं सोफा घुमाता हूँ तो यहाँ तक 7 सीटर सोफा आ जाएगा, और 7 सीटर सोफा यहाँ तक आने के बाद ये स्पेस हमारा बिल्कुल खाली बच गया, और इजीली यहाँ से हम 6 सीटर या 7 सीटर डाइनिंग टेबल्स लगा सकते हैं। यानी कि डाइनिंग टेबल्स लगने के बाद यहाँ का और इसके बीच का स्पेस काफ़ी बच जाता है, यानी कि आपके गेस्ट आए उनको भी स्पेस मिल गया, डाइनिंग टेबल्स की भी बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। तो ये बेस्ट ऑप्शन होने वाली है। उसके ठीक साथ में दोस्तों यहाँ पर आप दिखा दीवार पर देखेंगे यहाँ पर टोटल POP का काम आपको मिलने वाला है, साथ में AC का प्रोविजन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। उसके बाद आप यहाँ पर फॉल सेलिंग और डाउन सेलिंग का काम देखेंगे जो कि अलग ही यूनिक डिजाइन से किया गया, बेहतरीन लुकिंग दे रहा है यहाँ पर, शानदार काम किया गया, ये आपको इसमें मिलेगा एज इट इज आपको मिलने वाला है दोस्तों। ये यहाँ पर विंडो दी गई ताकि वेंटिलेशन वगैरह की प्रॉब्लम हमें ना रहे दोस्तों। उसके साथ में दोस्तों यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर आपको आ जाती है बालकनी, जैसे फर्स्ट फ्लोर पर भी आपको बालकनी आएगी और यहाँ पर भी बालकनी मिलने वाली है। बालकनी का जो स्पेस है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है आपको, और यहाँ पर आप चाहे तो नॉर्मली गार्डनिंग कर सकते हैं, यानी कि आप गमले वगैरह जो है आप फूल वगैरह का यहाँ पर लगा सकते हैं। पार्किंग आपके ठीक सामने आ जाएगी, पार्किंग का इशू आपको नहीं आने वाला, और काफ़ी अच्छा यहाँ पर और भी बहुत सारे फ्लैट्स वगैरह, विला वगैरह, कोठी वगैरह बन रही है यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों हम आगे चले गए तो यहाँ पर हमारा आ जाता, देखिए सबसे बड़ी चीज़ हो गई कि आपके गेस्ट वहाँ पर बैठे तो यहाँ पर सेपरेट में आपका किचन आ गया, तो ये आपका मॉड्यूलर किचन आ जाएगा, और किचन एज इट इज आपको मिलने वाला है, यानी कि इसमें सारा सामान जैसा आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। यहाँ पर अभी थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वो अभी रखा हुआ है, तो ये देखिए एज इट इज आपको मिलने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे शानदार साउंडलेस सिंक मिलने वाले दोस्तों, शेरा कंपनी की सैनिटरी होने वाली, सेरा कंपनी की सैनिटरी साउंडलेस सिंक रहेगा, और यहाँ पर भी दोस्तों विंडो दी गई है आपको ताकि वेंटिलेशन वगैरह की प्रॉब्लम ना आ सके। यहाँ पर गीजर और RO का प्रोविजन दिया गया है। उसके ठीक साथ दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं चिमनी की फिटिंग के लिए पाइप वगैरह यहाँ पर दिया गया है, चिमनी इसमें इंक्लूड नहीं रहेगी, इसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड रहेगी आपको, और ये भी इंक्लूड रहेगी, यानी कि कवर्स भी आपको यहाँ पर दे रहे हैं, ओवन वगैरह रखने के लिए कोई भी आप सामान यहाँ पर रख सकते हैं, ये स्पेस आपको अच्छा मिल जाता है, ये भी आपको मिल रहा है। ऊपर फॉल सीलिंग का यहाँ पर भी इसमें आ गया दोस्तों। अब हम आए थे अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ जो कि हमारा मास्टर बेडरूम रहेगा, ये हमारा मास्टर बेडरूम आया था दोस्तों। मास्टर बेडरूम की बात करूँ तो 12.5x10 का रूम साइज रहेगा जो कि काफ़ी खुला डुला स्पेस के साथ है, यानी कि डबल बेड लगने के बाद भी लगभग 1 मीटर का स्पेस आगे पीछे दोनों तरफ हमारा बच जाता है, यानी कि इतना स्पेस है कि काफ़ी स्पेस हमारा बच जाएगा। फॉल सीलिंग का काम एज इट इज आपको मिलने वाला है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है सेम मिलने वाला है। यहाँ पर वॉलपेपर की बात करूँ तो 3D वॉलपेपर आ जाएगा, वॉलपेपर कस्टमाइज रहेगा, वो कस्टमाइज करा देंगे दोस्तों। कवर्स की बात करूँ तो यहाँ पर आप देखिए कवर्स एज इट इज आपको मिलने वाला, ऊपर तक कवर किया गया, यहाँ पर आपकी ड्रेसिंग आ जाएगी दोस्तों, उसके साथ में यहाँ पर पर्सनल रैक वगैरह आपकी ये दे देगी, ये आपको एज इट इज ही मिलने वाली है। यहाँ पर AC का प्रोविजन वगैरह दिया गया है, साथ में दोस्तों यहाँ पर LED पैनल्स रहेगा, LED पैनल इसमें इंक्लूड नहीं रहेगा। उसके ठीक साथ में दोस्तों यहाँ पर हमारी दे दी बालकनी ताकि वेंटिलेशन की प्रॉब्लम ना आ सके, वो सारा स्पेस यहाँ पर दिया गया है। उसके पास में दोस्तों ये हमारा अटैच वॉशरूम आ जाता है ताकि इसमें जो काफ़ी खुला स्पेस है, और यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मैंने बात की थी सेरा कंपनी की सैनिटरी होने वाली है। इसमें टाइल्स की बात करूँ तो सबसे बड़ी खूबी है कि टाइल्स को ऊपर तक कवर किया गया है। वेंटिलेशन की बात करूँ तो यहाँ पर एडजस्ट फैन के लिए स्पेस दिया गया, प्लस विंडो भी दी गई है ताकि मतलब आपके जो है वेंटिलेशन की प्रॉब्लम ना आ सके। टाइल्स जो ऊपर से कवर कर दी गई है तो नमी वगैरह की प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं आएगी। तो ये हमारा फर्स्ट बेडरूम था जो कि हमारा मास्टर बेडरूम है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ दोस्तों। तो ये हमारा आया था सेकंड बेडरूम।
और सेकंड बेडरूम की बात करें तो सबसे पहले आप देखेंगे फॉल्स सीलिंग का काम, जो कि पिछले रूम में अलग डिजाइनिंग थी, यहाँ पर अलग डिजाइनिंग आपको मिलने वाली है। उसके ठीक साथ में दोस्तों यहाँ पर भी एसी का प्रोविजन आपको मिल जाएगा। और साथ में बात करें तो 3D वॉलपेपर इसमें कस्टमाइज रहेगा। ये हमारी कवर्स आ जाएगी, कवर्स जो दोस्तों आप देखेंगे ऊपर तक कवर की गई है। और कवर्स के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर पिछले रूम में ड्रेसिंग थी, लेकिन इसमें ड्रेसिंग की ना देकर के इसको क्या किया, पूरा आगे से लेकर यहाँ तक कवर कर दिया कवर्स के साथ। LED पैनल आपका सामने आ जाएगा, जो कि इंक्लूड नहीं रहेगा। उसके ठीक साथ दोस्तों हमारा सेकंड अटैच वॉशरूम आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, टाइल्स ऊपर तक कवर की गई है। यहाँ पे पिछले रूम में टाइल्स की डिजाइनिंग अलग थी, यहाँ पर अलग है। यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए विंडो प्लस एडजस्ट फैन के लिए स्पेस दिया गया है। और साथ में सेरा कंपनी की सैनिटरी होने वाली है। ये हमारा सेकंड अटैच वॉशरूम रहेगा, यानी कि दोनों रूम में अटैच वॉशरूम है। उसके बाद भी पूजा रूम का स्पेस बाहर अलग से दिया गया और ड्रॉइंग डाइनिंग एरिया का स्पेस भी बहुत ही खुला डुला स्पेस है। ये हमारा वॉशिंग एरिया आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए वॉशिंग एरिया काफी खुला मिल जाता है आपको, वेंटिलेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि काफी खुला स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर इसको आप कवर करना चाहे तो जाली लगा के इसको कवर कर सकते हैं ताकि प्योर पर सिक्योर हो जाए। तो काफी खुला स्पेस है यहाँ पर, आप अपने पैड्स वगैरह भी रखे तो आराम से इजिली यहाँ पर आपको एडजस्ट हो जाएगा इतना खुला स्पेस के साथ है। तो ये हमारा सेकंड बेडरूम है दोस्तों, ये कंप्लीट 2BHK रहेगा, 110 गज में रहेगा। और मैं बात करूँ दोस्तों, ये 125 सेक्टर के अंदर बिहार गेट नंबर 3 के पास में है, प्राइम लोकेशन है, चीज बढ़िया है। और प्राइस की बात करो तो इसका प्राइस रहेगा दोस्तों 28,90,000 का, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट करते हैं, 10% डाउन पेमेंट, 90% लोन करा देगा। 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट करते हैं तो 90% आपका लोन करा देगा। 3 लाख रुपए देके फ्लैट आपका 90% लोन हो जाएगा। उसकी EMI आप भर के अपने इस फ्लैट में मजे ले सकते हैं। यानी कि जितने रुपए की आपकी किस्त बन रही थी, मतलब सॉरी जितने रुपए का आप रेंट पे कर रहे थे कहीं ऑलरेडी, उतने की ही किस्त बनकी, यानी कि आपका अपना फ्लैट बनता चला गया, ठीक है। और अगर दोस्तों आप जल्दी से जल्दी लेते तो हो सकता है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो सब्सिडी मिलती है शायद उसके लिए भी आप एलिजिबल हो, तो वो भी मिल जाएगी, पक्का कन्फर्म नहीं है, मिल सकती है। और प्राइम लोकेशन होने वाली है, और इसमें मैंने जो जो दिखाया आपको एज इट इज मिलने वाला है, जैसे कवर्स वगैरह इसमें आएगी, मॉड्यूलर किचन आएगा, वॉशरूम के सारा काम आएगा, फॉल सीलिंग का काम आएगा, इसमें दोनों रूम में कवर्स आएगी, पूजा रूम का स्पेस आएगा, ये इसमें इंक्लूड रहेगी। POB प्लस 3D वॉलपेपर को कस्टमाइज करा देंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेगा अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके कमेंट करो, शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।